चलो आज हम लोग बेसिक कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हो वो और कैलकुलस, इसमें फर्क क्या है? सबसे फंडामेंटल फर्क है कि आपका अलजेब्रा डिस्क्रीट नंबर को डील करता है। डिस्क्रीट नंबर मींस अलजेब्रा में चार मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चारों ऑपरेशन में क्या था, दो नंबर के बीच होता था, 2 + 3, 2 × 3, 2 − 3, 2/3, ऐसा कुछ। तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते थे ये सारे ऑपरेशन डिस्क्रीट नंबर पे होते, जैसे इवन एक्स प्लस वाई भी करते थे तो एक्स वाई की जो वैल्यू होती थी वो फिक्स नंबर होती। तो हमारा अलजेब्रा या जो इससे पहले का मैथमेटिक्स है उसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस डिस्क्रीट नंबर को लेकर। कैलकुलस एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग इंस्टेड ऑफ नंबर फंक्शन से डील करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको हम लोग पढ़ते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अच्छा, बायो के स्टूडेंट हो इसमें, इस बैच में बायो के स्टूडेंट्स भी हैं नीट वाले? हाँ, सर। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं इस चैप्टर में जितना भी पढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटे छोटे एक दो फॉर्मूला, जहां भी मैं फॉर्मूला बोल के उसका बॉक्स बनाऊंगा, सिर्फ उतने को याद रखना है। मुझे क्या है कि इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ रहे हैं थोड़ा टाइम है तो अच्छा डिटेल में सीख लें। बायो वाले जितना पढ़ा रहा हूँ उसका 1%, जस्ट 1% की जो फॉर्मूले है ना वो अगर समझ में आ गया तो हमारा काम, हमारा जॉब डन है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन, या आप लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला टाइप ही पढ़ा दो, हालांकि बाकी बैचेज में तो प्रॉपर ग्रुप से पढ़ाया हूँ तो देख लेंगे जहां भी डिफिकल्टी लगेगी वैसे। बट ये जो पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि सीखना अगर है तो नहीं केवल कुछ फॉर्मूला और यूज करना है तो आसानी से किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। फॉर्मूला रट के अगर सॉल्व करने की इच्छा हो, मैं कह रहा था y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x। उसमें से इस x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे मान लो घर में मम्मा ने डिसाइड किया कि उनको जितना पैसा मिलेगा उसका 1% आपको वो पॉकेट मनी देंगे, तो आपका पॉकेट मनी मम्मा को जितना पैसा मिलेगा उस पर डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ आया? सपोज नाम ऐसा क्यों है, तो जस्ट एग्जांपल देख लो, मान लो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जस्ट एग्जांपल के लिए। एक्स कैन टेक एनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली, 0, +1, -1, -10, व्हाटएवर, बट वाई कैन नॉट टेक एनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली, वाई -4 नहीं हो सकता, समझ रहे हो? यस सर, तो वैल्यू ऑफ वाई डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स टेकन, दैट्स व्हाई वी कॉल वाई एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं एक्स और वाई के सिंबल से चल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिंबल का फर्क नहीं है, वाई टी जेड वी व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो कैलकुलस में जैसे अलजेब्रा में क्या था कि चार मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें से ये सिंबल देखकर हम समझते थे कि दो नंबर के बीच कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, ये सिंबल देख के ही समझते थे ना। सपोज
यहाँ 4 + 9 है, तो ये प्लस सिंबल का मतलब था कि दोनों में एडिशन हो रहा है, है ना, एकदम फंडामेंटल चीज बता रहा हूँ, ये कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि चाचा दोस्ता। तो ये सिंबल को देखकर हमें समझ में आता था कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑपरेशन हो रहा है। तो ये चारों सिंबल को हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कहते हैं। ओके, इसका नाम है अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, क्योंकि इस ऑपरेटर को देखकर पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है। क्लियर है? यस सर। तो अलजेब्रा में चार मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइन है, ठीक वैसे ही कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइन। एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ये जो डिफरेंशिएशन है, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन को पहचानेंगे कैसे, तो ये ऑपरेटर का सिंबल देख के, जैसे वो प्लस का सिंबल दिखता है तभी समझते हो ना कि एडिशन होने वाला है। तो पहले तो सिंबल पहचानना सीखते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं 10 मिनट बाद देखेंगे, बट सिंबल कैसे पहचानते हैं वो देखते। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई के साथ ये जो सिंबल लगा हुआ है ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। समझ आया? यस सर। ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, जैसे 2 + 3 लिखा तो प्रोनाउंस करते हैं 2 + 3, वैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई और डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंबल से पहचान, ठीक वैसे ही बहुत जगह आपको ऐसा सिंबल मिलेगा, एक ऐसा एस के जैसा, यहां पर वाई और यहां पर dx। तो ये जो s वाला सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग इंटीग्रेशन का ऑपरेटर कहते हैं। तो ये हो गया ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑपरेटर फॉर इंटीग्रेशन। सर इसका यूज क्या है? अभी आते हैं यूज क्या है। तो और इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो हुआ कि कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइन है, एक को कहते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे को कहते हैं इंटीग्रेशन। सिंबल से कैसे पहचानेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो देख। आज हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे और अगले करीब करीब 1 महीने तक डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे, 4-5 लेक्चर। अब आते हैं यूज क्या है इसका। चलो सुनो, ये जो कैलकुलस पढ़ रहे हो उसमें आपका पहला लेक्चर है आज, है ना? यस सर। यस सर। अब याद करो, जिंदगी में पहली बार जब तुम लोगों को क्लास 1, 2, 3 कभी भी टेबल रटने को बोला होगा या एडिशन सिखाया होगा या सब्ट्रैक्शन सिखाया होगा, जैसे टेबल रटते थे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये सब। यस सर। अच्छा, जरा ध्यान से सोचो, उस समय अगर तुम जिद कर लेते कि हमको पहले बताओ कि इसका यूज कहाँ है तभी हम पढ़ेंगे, तो सीख पाते क्या? नो सर, नहीं सीख पाते। अच्छा, लेकिन ये बात पक्का है कि जैसे जैसे बड़े हुए तो आज लगता है कि उसके बिना तो जिंदगी ही नहीं है, लगता है ना? Yes, ठीक वैसे ही मैं एक एक करके हर चैप्टर पे आ रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री है तुम्हारा,
ट्रिग्नोमेट्री अभी जितना 11th में पढ़ रहे हो ना, उसके बाद ये मैथमेटिक्स ही खत्म हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, अब है ही नहीं इसके आगे, ठीक है। मेंसुरेशन जितना क्लास 10th में पढ़ा था उसके बाद खत्म, उसके आगे है ही नहीं। मेंसुरेशन और अरिथमेटिक ये दोनों क्लास 10th में पढ़ते थे ना? यस सर। बस वहां से मेंसुरेशन और अरिथमेटिक जो क्लास 10th तक पढ़ लिया, उसके आगे वो मैथमेटिक्स डेवलप ही नहीं, खत्म है सर। तो अभी कैलकुलस के बारे में होगा पूरा, आ रहे हैं धीरे से धीरे धीरे। अभी जो थोड़ा बहुत आप लोग 11th 12th में अलजेब्रा पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, जो भी बाकी चैप्टर पढ़ते हो, यहाँ से अलग मैथमेटिक्स शुरू हुआ। और बाकी जो मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो पहले, धीरे 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 खत्म हो गया, उसमें उतना ही है। तो ये जो नया मैथमेटिक्स डेवलप हुआ है, मतलब क्लास 11th के बाद 12th से, 12th से लेकर आगे एमएससी पीएचडी जो भी करना है कर लो, एक ही मैथमेटिक्स मिलेगा जो है कि कैलकुलस। अच्छा, तो आप अभी कैलकुलस में सिर्फ उसी स्टेज पर हो जैसे कि अलजेब्रा में नर्सरी में थे 2+2 4 करते हुए। तो थोड़ा सा फर्क इतना आ गया है कि उस समय बोलना भी नहीं आता था, अब थोड़ा हम लोगों को बोलना आ गया। लेकिन इस मैथमेटिक्स को कि इस जिद पर नहीं पढ़ो कि इसकी क्या जरूरत है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इतना मान लो कि ये नहीं होगा तो साइंस खत्म है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो। एप्लीकेशन हर लेक्चर में, आज भी एट द एंड ऑफ द लेक्चर हो सकता है एक आध एप्लीकेशन दिख जाए, अगले एंड ऑफ द लेक्चर में फिर एक आध एप्लीकेशन दिख जाए। तो धीरे धीरे इसके एप्लीकेशन दिखने लगेंगे, और इतना दिखने लगेंगे कि एक अलग मैथमेटिक्स ही है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पूरा का पूरा एक चैप्टर, अगर तुम लोगों के पास 11th 12th की कोई बुक है तो उसमें देखोगे एक चैप्टर ही होगा जिसका नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कैलकुलस नहीं, केवल डेरिवेटिव, केवल डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को लेकर ही एक चैप्टर है। तो अभी आप जस्ट रेस्ट एश्योर्ड कि इसके बहुत एप्लीकेशन है, इतने एप्लीकेशन है कि दिस ऑनवर्ड जितने भी साइंस डेवलप हुए हैं सबके पीछे का मैथमेटिक्स कैलकुलस ही है, ठीक है। लेकिन ये जिस yes, पर इसका सब कुछ बता दो कि क्या यूज है, कैसे है, क्या है, तभी हम पढ़ेंगे। इस जिद पे आ जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि कैलकुलस में आप उसी स्टैंडर्ड में हो नर्सरी में जो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और टेबल रटने के समय थे। तो थोड़ा सा अभी उसी हिसाब से चलो। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं कि कैलकुलस कहाँ से शुरू हुआ। तो जो न्यूटन था ना, न्यूटन ने जब ग्रेविटेशनल फील्ड का स्टडी करने की कोशिश किया तो डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स या इवन बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स जब निकालने की कोशिश कर रहा था तो देखा कि कोई मैथमेटिक्स अवेलेबल है ही नहीं जिससे हम निकाल सकते हैं। तो उस भाई साहब ने एक नए मैथमेटिक्स की ही शुरुआत कर दी जिसको कैलकुलस कहते हैं। इतना ही नहीं और बताता हूँ अगर सीखना है तो, ये हम लोग जबरदस्ती कहते हैं ये जो न्यूटन था ना, न्यूटन मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था। आज भी आप जाओगे कॉलेज में तो वहां पर उसका चैम्बर, उसकी चेयर, सब कुछ है। वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का मतलब प्रोफेसर था। उसके मरने के बाद उसके रिगार्ड में वहाँ प्रोफेसर पोस्ट ही हटा दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, लेक्चर होता है, रीडर होता है, एसोसिएट होता है, बट प्रोफेसर का पोस्ट ही हटा दिया क्योंकि नोबडी मतलब न्यूटन के कैलिबर का कोई बना नहीं। तो न्यूटन वाज अ मैथमेटिशियन। न्यूटन, गॉस, फिजिक्स में जितने कंट्रीब्यूशन है ना, ये सब फंडामेंटली मैथमेटिशियन थे। बिना मैथमेटिक्स के किसी साइंस को आगे बढ़ा पाना मुश्किल होता है। चलो ये सब कहानी चलती रहेगी बाद में, पहले इसको जल्दी से कॉपी करो। सर वो राइट साइड पे थोड़ा लाइट आ रहा ना तो दिख नहीं रहा, इंटीग्रेशन वाला। हाँ सर अभी दिख रहा है।
इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या सिंबल को कहते हैं ऑपरेटर फॉर इंटीग्रेशन। सर अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने वाली या फिर इंटीग्रेशन? सर डिफरेंशिएशन। ओके सर, थैंक यू सर। इरेज करूं? यस सर। यस सर। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कहते किसको? तो डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने का बहुत तरीका है, बट फंडामेंटल डेफिनेशन क्या ये है? सपोज y x का फंक्शन है, तो y अगर x का फंक्शन है तो x में अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा। यस सर। है ना? तो x में मान लो डेल्टा x का चेंज हुआ, तो इफ x चेंजेस टू x प्लस डेल्टा x, ऐसा चेंज हो गया, तो x में थोड़ा सा मैंने डेल्टा x का चेंज, तो y में भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। यस सर। देन y चेंजेस टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। यस सर। तो y में जो चेंज होगा उसको अगर मैं डेल्टा y लिखूं तो डेल्टा y इज नहीं, y चेंजेस टू इतना ही ऐसा होगा। तो चेंज इन y क्या होगा? चेंज इन y मेरा हो जाएगा f of x plus delta x minus f of x, यही मेरा चेंज इन y होगा। यस सर। तो ये जो रेशियो है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, लिखना मत, ये जो रेशियो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ऐसा होगा, है ना? यस सर। तो इस रेशियो का मतलब क्या हुआ? पहले बहुत लोग पूछता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तो इस रेशियो का मतलब हुआ कि चेंज इन y with respect to x, yes, और change in y per unit change in x, यही मतलब हुआ? Yes। अच्छा, तो delta x का value जितना ज्यादा लेंगे ये value change in y upon change in x उतना average होगा। Yes sir। जैसे तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है,
और तुमको स्कूल पहुंचने में एक घंटा लगता है, तो तुम बोलोगे कि मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये तो गलत बात है ना, ये तो एक घंटा का एवरेज वैल्यू है। जब आप घर से निकले और जब स्कूल पहुंचे, इसके बीच में योर स्पीड विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम 0 to any वैल्यू, राइट? बट द कैलकुलेशन ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इज अ एवरेज वैल्यू फॉर 1 आवर ड्यूरेशन, है ना? बोलो। Yes, sir. तो ये 1 आवर ड्यूरेशन को जितना कम करते जाएंगे उतना प्रिसाइज वैल्यू मिलेगा। Yes, sir. तो ठीक वैसे ही किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज प्रिसाइज तब मिलेगा जब ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा। Yes, sir. तो इसको हम लोग मैथ के लैंग्वेज में लिखते हैं LT, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, जीरो से बराबर, जीरो के बराबर लगभग। तो अब ये जो रेशियो बना, इसी को हम लोग डीवाई बाई डी एक्स, ये हो गया डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन, जिसकी आप लोगों को कोई जरूरत कहीं नहीं। आप लोगों को फॉर्मूला से काम चल जाएगा, लेकिन फंडामेंटली डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन यही है, ठीक है? फंडामेंटली डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन यही है। कोई डाउट? सब LT क्या है? लिमिट पढ़ते हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। आई बात समझ में? Yes, तो यहां से, ये तो मैंने मैथ के लैंग्वेज में इतना कुछ लिखा, यहां से जो बात समझ में आई वो ये है कि dy, दो तीन बातें, dy by dx represents रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, यही मतलब हुआ dy by dx का। तो dy by dx का एक मीनिंग समझ में आया कि dy by dx हमें रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x देगा। Yes, sir. और कोई भी रेट ऑफ चेंज प्रिसाइज तभी होगा जब डेल्टा x बहुत छोटा हो, तो इसको हम लोग dy by dx एक्चुअल में एक रेशियो ही है। dy by dx इज जस्ट अ रेशियो कि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करके देखूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज होता है, उस चेंज का रेशियो ही dy by dx है। एंड दैट चेंज इंडिपेंडेंट इज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वेरी स्मॉल, इन दैट केस वी कॉल इट एज dy by dx, अदरवाइज वी विल कॉल एवरेज रेट ऑफ चेंज। जैसे जो जो तरीका है आपका स्पीड ढूंढने का 5 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, ये क्या है? एवरेज स्पीड है ना? Yes, sir. टाइम का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड है, क्लियर है? ये एक मिनट सर, वन डाउट सर। Bolo. So why do we use delta, sir? If it is like just y by x, then why no, do we no, use delta? No, it's not y by x, boss. It's not y by x. It is what's the change use of in delta? Y upon change in x. Then what is, why do we use delta? We have to represent change in y. We are not writing y by x. For example, suno. Dhyan nahi diya tum log. जैसे तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल, मैंने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो तुम्हें लग रहा है कि वाई अपॉन एक्स है, यही लग रहा है ना? इसीलिए पूछा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम में तो डेल्टा देखा ही नहीं मैंने, और अभी सर कह रहे हैं डेल्टा है, यही प्रॉब्लम है? यस सर। डिस्टेंस अपॉन टाइम में भी डेल्टा है, कैसे? तो ये जो डिस्टेंस मेजर करते हो, वो कहां से मेजर किया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है,
है ना? यस सर। तो जो तुम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देख रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो इट इज चेंज इन पोजीशन, एम आई राइट? और जिसको टाइम बोल रहे हो वो टाइम क्या है, तुम घर से जब निकले तब का टाइम देखा 1:25 हो रहा है, जब वहां पहुंचे तब का टाइम देखा 2:25 हो रहा है। तो जो तुम्हें टाइम एब्सोल्यूट दिखता है वो एब्सोल्यूट थोड़ी ना है, वो तो डिफरेंस है कि घर से निकलते वक्त तुमने घड़ी देखी क्या टाइम हो रहा है, स्कूल पहुंचते वक्त तुमने घड़ी देखी क्या टाइम हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में जो टाइम निकाल रहे हो वो तो दो टाइम के वैल्यू का डिफरेंस है ना। लेकिन मेरा डाउट वो नहीं रहा सर, सर मैं ये पूछ रहा था कि हम डेल्टा वहां लिखते ही क्यों है सर? डेल्टा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एंड व्हाई? डेल्टा मींस चेंज। ओके, डेल्टा मींस चेंज, डेल्टा वाई मींस चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स मींस चेंज इन एक्स। थैंक यू सर। और सर वो एलटी क्यों यूज करते हैं सर? LT is limit. We have to say delta y by delta x when delta x is very small. So literature ki class to hai nahi ki main likh do delta y by delta x where delta x is very small. Math ki class hai. To mujhe ye sare lambe lambe sentence ko ek symbol dena hoga. To delta x is very small likhne ka tarika hai limit delta x tending to zero. Aaya samajh mein? Yes, okay sir. Yes, एक दूसरा मीनिंग देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये तो फिजिकल मीनिंग हुआ। दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो जरा सा, सपोज ये y है और ये x है और हमारा फंक्शन कुछ है जिसका ग्राफ ऐसा है, जो फंक्शन है ऐसा, ये फंक्शन है मेरा y is equal to f। ध्यान से देखिएगा सर, तो किसी x पर corresponding value y की ये है ऐसा। अब x को मैं चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया x प्लस डेल्टा x, तो अब हमारा x यहां आ गया x प्लस डेल्टा x, तो देखो इसके क्रॉसपॉन्डिंग y चेंज हो गया y प्लस डेल्टा y। ये फंक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर गया, डिक्रीज करता तो नीचे भी आता, कहीं भी जा सकता है, ऐसा होगा? होगा? यस सर। तो ध्यान से देखना, ये जो लाइन मैंने ग्रीन से बनाया यही डेल्टा एक्स है, और ये जो लाइन मैंने ग्रीन से बनाया यही डेल्टा वाई है, आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। और अगर ये डेल्टा, मुझे तो आपको समझाना है इसलिए मैंने डायग्राम में इतना बड़ा बनाया, डेफिनेशन में डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है ना, मतलब ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स के पास है, बस इतना नजदीक बनाता तो आपको दिखता नहीं डायग्राम में, तो ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, आया ना? यस सर। यस सर। जब ये डेल्टा बहुत छोटा होगा तो ये जो ब्लैक वाला कर्व दिख रहा है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा, ये जो कर्व दिख रहा है ब्लैक वाला, डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा ये उतना स्ट्रेट लाइन होता जाएगा। यस सर। और ये जो रेशियो है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये नथिंग बट इस टैन थीटा के बराबर होगा। यस सर। तो ये जब छोटा होता जाएगा तो यहाँ पर जो मैंने ये वाला लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन क्या होगा, इस कर्व पर टेंजेंट होगा, होगा ऐसा? होगा? यस सर। क्या बोले आपने? यस सर।
तो ये जो एंगल थीटा है जो वहां डायग्राम में दिख रहा है वही थीटा यहाँ भी होगा। तो इस dy by dx को हम लोग बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। यस सर, है ना। तो इस ज्योमेट्री से मुझे दिख रहा है dy by dx का डेफिनेशन कि dy by dx इज स्लोप ऑफ tangent drawn on the curve y is equal to fx। तो ये क्या है dy by dx का geometrical meaning है। ये आपका dy by dx का geometrical meaning। तो ज्योमेट्रिकली dy by dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिजिकल मीनिंग हो गया dy by dx रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy by dx का ये दो मीनिंग अभी भर के लिए आप पढ़िए, इसको कॉपी करिए। सर फिर मतलब ऐसा हो गया सर, यहाँ पे tan theta is delta y by delta x हो जाएगा ना सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, बोलो सर। ऊपर जो आपने dy by dx equals to limiting delta x tends to zero है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि change in x is very small, ratio of change in y upon change in x when change in x is very small। ओके सर। सो जो LIM लिखते हैं सर उसका मतलब वो LIM बाय वही लिखने का मतलब हुआ ना डेल्टा एक्स टेंस। या तो मैं लैंग्वेज लिख दूं इंग्लिश के लिटरेचर के जैसा कि dy by dx is delta y by delta x where delta x is very small, और नहीं तो सिंबल के फॉर्म में ऐसा लिख दूं तो लिमिट
डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब है कि चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज वेरी स्मॉल। लिख लिए हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, लिख लिए सर, डाउट है, बोलो सर। अभी एक्स का वैल्यू मान लो ओके 5 है, तो डेल्टा एक्स कितना होगा सर? यार तुम लोग एकदम मतलब ऐसे पढ़ते हो ना जैसे लगता ही नहीं कहीं कोई साइंस है। सॉरी सर, सुनो, मैं कह रहा हूं कि डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल, तुम्हारी भाषा में वही कहानी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होता है? होता है? हाँ होता है सर। अब एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का एक्चुअल मीनिंग है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। डिफरेंट है सर। क्या क्या है ये डेल्टा डेल्टा डी बाय डेल्टा टी है सर। चेंज इन डिफरेंस, चेंज इन बाय चेंज इन टाइम। हाँ तो ये है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही है। हाँ सर। अब चेंज इन टाइम तुम जितना बड़ा लोगे, एक घंटा ले लो, दो घंटा ले लो, पांच घंटा ले लो, पचास घंटा ले लो, तो उससे जो तुम्हें ये मिलेगा ये एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मिलेगा। हाँ सर। और ये चेंज इन टाइम जितना छोटा लेते जाओगे, एक मिनट लोगे, दो मिनट लोगे, एक सेकेंड लोगे, एक नैनो सेकेंड लोगे, उतना ज्यादा इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलता जाएगा। हाँ सर। घर से निकलने के जस्ट एक सेकेंड बाद तुम्हारा रेट ऑफ चेंज कितना है? जस्ट एक सेकेंड बाद का मतलब डेल्टा टी एक सेकेंड नहीं है, टी वन सेकेंड है, उस समय डेल्टा टी ऑलमोस्ट जीरो है। ऑलमोस्ट जीरो मतलब तुम उसको नैनो सेकेंड पकड़ लो, पिको सेकेंड पकड़ लो, 10^-100 पकड़ लो। तो मैथ्स में जब हम कहते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू मिलेगा, इसका ये मीनिंग है। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है डेल्टा एक्स का। अगर डेल्टा एक्स का फिक्स वैल्यू होता तो मैं लिख ना देता जो तुम पूछ रहे हो, एक्स 5 है तो डेल्टा एक्स कितना है, यही पूछ रहे हो? हाँ सर। तो ये अगर फिक्स वैल्यू होता कि 5 का डेल्टा एक्स कितना होगा तो मैं वही लिख देता, क्यों इतनी कहानी करता? हाँ सर, ओके सर। इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा एक्स जितना छोटा आप लेंगे रिजल्ट उतना ज्यादा प्रिसाइज मिलेगा। ओके सर। ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है कि 5 है तो डेल्टा एक्स कितना होगा, ये फिक्स वैल्यू नहीं होता। इसको इरेज करूं? हाँ सर।
जैसे एग्जांपल समझो, कुछ चीजों को सीखो, तुम लोग केवल फॉर्मूला रखने को पढ़ना नहीं करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पापा कहते हैं या तुम खुद मान लो कहते हो कि मैथ्स में मार्क्स मुझे मिला क्लोज टू 100, तो क्लोज टू 100 का क्या मतलब है? कोई आपका 95 को भी क्लोज टू 100 बोल सकता है, कोई 95.8 को भी क्लोज टू 100 बोल सकता है, कोई 99 को भी क्लोज टू 100 बोल सकता है, कोई 99.8 को भी क्लोज टू 100 बोल सकता है। बट 100 और इस वैल्यू में जितना ज्यादा, जितना कम डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्लोज टू 100 का मीनिंग अच्छा होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। लैंग्वेज में बोल कि आई गॉट मार्क्स क्लोज टू 100, मैं भी बोल दू, कोई और भी बोल दे। अगर सुनो, एक बात सुनो, समझो सब, मैं बोल दू कि आई गॉट मार्क्स क्लोज टू 100 इन मैथमेटिक्स, मान लो मैं बोल दू, सिर्फ मैं बोल रहा हूं और मुझे मार्क्स आया 95, तो तुम्हें अंदाजा मिल गया कि अच्छा 95 इज क्लोज टू 100, ठीक है, हो गया। अब मेरे बगल में एक और आदमी, उसने कहा कि आई ऑल्सो गॉट मार्क्स क्लोज टू 100, उसको आया 98, अब तुम्हारा अंदाजा बदल गया कि नहीं उसका ज्यादा क्लोज। आई बात समझ में? यस सर। कोई तीसरा आया, वो भी यही बोला कि आई गॉट मार्क्स क्लोज टू 100 और उसको आया 98.5, अब फिर उसके रेस्पेक्ट में तुम्हारा लगा कि नहीं यार क्लोज टू 100 तो शायद उसको कहते हैं, ये दोनों झूठ बोल रहा है। बात समझ आ रही है? यस सर। फिर कोई चौथा मिल गया, उसको आया 99, फिर तुम्हारा क्लोज टू 100 का डेफिनेशन बदल गया। तो ये हर बार डेफिनेशन बदलते थोड़े ना जाओगे, तो आप किस बात को कैसे डिफाइन करोगे कि क्लोज टू 100 इज 100 प्लस 100 माइनस डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। अब जिसका जितना ज्यादा वेरी स्मॉल होगा उसको उतना ज्यादा क्लोज टू 100 कहेंगे। यस सर। मान लो तुम्हें मैंने कहा कि क्लोज टू 100 का एक डेफिनेशन बनाओ और तुम्हारे सामने ये 5-10 केस स्टडी है जो मैं बताता चला गया, तो पहली बार तुम्हें देख के लगा कि अच्छा 95 इज क्लोज टू 100, फिर लगा 95.5 इज क्लोज टू 100, फिर लगा 98 इज क्लोज टू 100। ऐसे इनफाइनाइट सैंपल लोगे तो कभी डेफिनेशन नहीं बन पाएगा क्लोज टू 100 का। बन पाएगा क्या? नहीं सर। तो अब तुम क्या कहोगे, क्लोज टू 100 इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू इज 100 माइनस डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, दैट इज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब जितना ज्यादा वेरी स्मॉल होगा उतना अच्छा डेफिनेशन मिलेगा क्लोज टू 100 का, लेकिन डेल्टा एक्स को कोई वैल्यू तो स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना। यस सर। चमका कुछ? हाँ सर। जिसने डाउट पूछा था कि अगर एक्स 5 है तो डेल्टा एक्स क्या होगा, मतलब समझ आया? हाँ सर। ऐसा एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते, ऐसा कर पाते तो बेकार कैलकुलस पढ़ते, अलजेब्रा ही अपना ठीक था। हाँ, ठीक है। हाँ सर। अब ध्यान से देखते रहना, लिखने का काम बिल्कुल नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बताया डिफरेंशिएशन का, जस्ट एक फंडामेंटल बताया कि डिफरेंशिएशन कहते क्या। Now for example, suppose if y is equal to x square, then find dy by dx, ऐसा किसी ने कहा और मुझे डिफ्रेंसिएशन का अभी कोई फॉर्मूला नहीं पता है, मुझे सिर्फ बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन पता है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैंने देखा डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट ऑफ डीवाई बाय डीएक्स लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये वाला डेफिनेशन सीखा है हमने। बिलीव मी, इस फॉर्मूले को आपको कभी लाइफ में
यूज करने की जरूरत नहीं होगी। मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको फंडामेंटल से पता रहे, नहीं तो मुझे अगर आप लोगों को कुछ करना है, दो मिनट का काम है, 10 फॉर्मूले लिख दूंगा और एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दूंगा। आप भी हैप्पी कि मुझे समझ आ गया, बट यकीन मानो कुछ नहीं समझ आया, वो फील आता है ऐसा कि समझ आया, इसीलिए एकदम फंडामेंटल। ये समझ आया? ये तो dy by dx का डेफिनेशन है, बोला ना कैलकुलस पढ़ने वाला 98% लोगों को ये फंडामेंटल से मतलब नहीं होता है, लेकिन है यही फंडामेंटल, क्या कर सकते हैं। जैसे पहली बार बचपन में 2+3 5 पढ़ा था, तो वो फंडामेंटल क्या था, ये 2 उंगली निकालते थे, ये 3 उंगली निकालते थे, फिर ऐड करते थे तो 2+3 5 होता था, यही फंडामेंटल है। आगे जाते जाते भूल गए कि यही फंडामेंटल था, लेकिन क्लास 1-2 के स्टेज में अगर 2+3 5 ऐसे नहीं करते तो सीख पाते कभी? नो सर, नहीं सर, नहीं सर। बनाते थे उसके आगे फिर 3 लाइन बनाते थे, फिर काउंटिंग करते थे तो कहते थे 2+3 5 हो गया, फिर करते करते दिमाग में ऐसा हो गया कि अब मुझे लाइन बनाने की जरूरत नहीं होती है, मैं कर लेता हूँ, लेकिन टू बिगिन विथ वही फंडामेंटल है। Yes, sir. तो फंडामेंटल कभी नहीं भूलना चाहिए, तो वो ये कैलकुलस का फंडामेंटल है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं करूं और अभी एक फॉर्मूला दे दूंगा तो कहोगे अरे सर बेकार में सर ने इतना किया, वो तो बिना देखे ओरली आंसर आता है, लेकिन ये जानना जरूरी है। जैसे 2+3 5 तुम्हें लगेगा कि ओरली आंसर है, लेकिन नर्सरी के बच्चे को पूछो तो वो 2 लाइन ज्वाइन करेगा, फिर 3 लाइन बनाएगा, फिर काउंट करेगा, फिर 5 लिखेगा, वो गलत नहीं है, वो फंडामेंटल ही कर रहा है। आप थोड़े बड़े हो गए हो तो आपको लगता है 2+3 5 में ऐसा करने की क्या जरूरत है। जैसे अभी सारे फॉर्मूले लिख दूंगा तो तुम y=x2 का डिफरेंशिएशन 2x ऐसे ही बोल दोगे, लेकिन जो फंडामेंटल है वो ये है। देखिए मैं इसको लिखूंगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, सो आंसर इज 2x, x+Δx, इसको मैं लिखूंगा x+Δx का होल स्क्वायर माइनस fx, That is x square upon delta x. ऐसा लिखूंगा तो ये हो गया लिमिट ऑफ सर आंसर आया डेल्टा x square by delta x equals to 2x. तो x square plus 2 into x into delta x plus delta x का square minus x square upon delta x, ऐसा होगा? Yes sir. ये x स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये कुछ ऐसा हो गया लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इधर मैंने डेल्टा x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस डेल्टा x अपॉन डेल्टा x, ये डेल्टा x फिर कैंसिल हुआ तो ये बच गया लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 2x प्लस डेल्टा x, अब डेल्टा x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं सर आपने डेल्टा एक्स किससे काट दिया सर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है ना? लिखा कि नहीं? लिखा कि नहीं? यस सर। लिख लिया सबने? सर एक मिनट।
एक्सक्यूज मी सर, मैंने थोड़ा अलग तरह से किया है. मैंने मैंने ये जो आपका सेकंड स्टेप था, ये x या x स्क्वायर प्लस 2x इनटू डेल्टा x प्लस आपने डेल्टा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखा ना. मैंने लिखा है सर x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x इनटू x प्लस डेल्टा x द होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो मैंने क्या लिखा बाय डेल्टा x. उसके बाद से मैंने किया सर 2 डेल्टा x इनटू x बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2x. तो सर ज्यादा मुझे आया सर d इनटू x स्क्वायर बाय dx. मैंने क्या किया है जो तुमने भी x प्लस डेल्टा x के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया है, हां या ना? यस सर. हां तो फिर मैंने क्या किया और तुमने क्या अलग कर लिया? सर लास्ट में मेरा डिनोमिनेटर भी आ रहा है और आपका सीधा निकल गया सर. लास्ट में डिनोमिनेटर कैसे आ जाएगा, आ ही नहीं सकता. देखिए तो करके सर, मुझे लास्ट में आ रहा है सर, आ ही नहीं सकता. कैसे आएगा? x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हुआ कि नहीं? प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों का टर्म है आप में? या माइनस एक्स स्क्वायर लिखना भूल गए आप? बोलिए. मुझे लगता है माइनस एक्स स्क्वायर लिखना भूल गए आप. एक और क्रॉस चेक कर रहा हूँ, एक और बना रहा हूँ. लिख लिया सबने? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ सब चुपचाप सुनेगा, एकदम आप लोगों के लैंग्वेज में ही पढ़ाता हूँ. अब देखो, जैसे 2 + 3 करना है तो दो डंडा लिया और 3 डंडा लिया, फिर काउंट कर लिया, कहा 5 कर लिया ना. नर्सरी में ऐसे ही पढ़े थे? यस सर. लेकिन नर्सरी में ही अगर कोई पूछता 50 + 25 तो 50 डंडा बनाते और फिर 25 डंडा बनाते, मुश्किल होता? होता ना? यस सर. तो ये डंडा बनाने वाले मेथड से नहीं कर पाते, मुश्किल होता? ठीक वैसे ही यहाँ पर x का पावर कुछ भी हो, 100 हो, 1000 हो, 4000 हो, कुछ भी हो, अब तो होल स्क्वायर का एक्सपेंशन पता है ना, बाकी का तो पता नहीं है आपको. होता है बट आपको नहीं पता है, ठीक है? तो अब मुझे कोई ना कोई एक फॉर्मूला चाहिए होगा जिससे कि काम चले, क्योंकि हर बार ऊपर में पावर कुछ भी हो जाए, ऊपर में पावर हो जाए 1/2, 1/8, -10, -50, 2000, व्हाटएवर. अब तो बार बार हम ऐसे एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, मतलब मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, आपको उतनी मैथमेटिक्स नहीं आती है. तो आपको क्या होगा, आपको चाहिए होगा एक फॉर्मूला. yes, तो यहाँ पर ये तो फंडामेंटल हो गया, लेकिन अगर x का पावर कुछ भी हो तो मैं एक पहला फॉर्मूला दे रहा हूँ जो आपको याद रहना चाहिए. अभी तक मैं जो कुछ भी बताया वो अगर भूल भी जाओ तो चलेगा, लेकिन पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का जो मैं दिया वो याद रहना चाहिए. d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. ये एक फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होगा आपका, आपको याद रहना चाहिए. बाकी पीछे का वो मेरा काम था फंडामेंटल सिखाना, मैंने सिखाया. जरूरत हो नहीं हो भूल जाओ चलेगा, बट ये फॉर्मूला भूल जाओगे तो कुछ नहीं चलेगा, ठीक है? लिख लिया ये फॉर्मूला? यस
यस सर पक्का। अब ये फॉर्मूला अगर लिख लिया तो अब तो एक्स स्क्वायर को सीधे बोल देते ना आप टू एक्स। यस सर है ना। तो ये फॉर्मूला बेसिक भी जानना जरूरी है बट ये फॉर्मूला तो लाइफलाइन है ही। क्लैरिटी से समझ आया? अच्छा इसमें d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n में n कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल, ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूं और कुछ नहीं। अभी जो दे रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड dy बाई डी एक्स क्वेश्चन नंबर वन, वाई इज एक्स क्यूब क्वेश्चन नंबर टू, वाई इज रूट एक्स क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई इज वन बाई एक्स क्वेश्चन नंबर फोर, वाई इज थर्ड रूट ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एक्स। केवल और केवल इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये छह क्वेश्चन लिखा है, फटाफट करके देखिए। पर्पस सिर्फ इतना है कि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए। सर सिक्स्थ वाला क्या है? सिक्स्थ वाला वन अपॉन रूट एक्स। नहीं सर फिफ्थ वाला सर फिफ्थ और सिक्स्थ नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, लाइट आ रही है सर। फिफ्थ और सिक्स्थ नहीं दिख रहा है। हाँ कुछ नहीं दिखेगा। फिफ्थ लिखा था वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स रेज टू सिक्स और सिक्स्थ लिखा था वाई इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स। अब दिख रहा है? यस सर। सर डन।
सर डन ठीक है वेरी गुड सर डन वेरी गुड सर डन बहुत बढ़िया Sir, done. Very good. हो गया फटाफट yes, फटाफट मैं आंसर लिख देता हूँ देखो सर एक डाउट है बोलो सर एक्स का डिफरेंशिएशन वन आ रहा है वन होगा आ रहा है नहीं होगा देखो फटाफट फर्स्ट का आंसर होगा जो नहीं है बता देना फर्स्ट का आंसर 3x2 सेकेंड का आंसर 1/2√x थर्ड का आंसर -1/x2 फोर्थ का आंसर 1/3 और 1/3 -1/2/3 तो 1/3x2 2/3 कैसे बोल सकते हैं थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका आंसर -6/x^7 इसका आंसर -1/2 √x³ इसमें से कोई आंसर ऐसा है जो आपको नहीं आया है तो बोलिए मैं बता दूं
नहीं सर सभी करेक्ट है, सारे करेक्ट है, सारे करेक्ट, यस सारे करेक्ट, वेरी गुड। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, कौन सा एक्सप्लेन करूं? फोर्थ वाला, थर्ड रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स रेज टू 1/3, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/3, तो डीवाई बाय डीएक्स फॉर्मूला लगा दो तो 1/3 एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1 दैट इज 1/3 एक्स रेज टू माइनस 2/3, यही हुआ, that is 1/3 x raised to 2/3, that is 1/3 x square raised to 1/3, मतलब 1/3 third root of x square। चंपा कुछ? Yes sir, समझ गया। इरेज करो इसको। थोड़ा सा आपको समझने के लिए कहता हूं, देखिए इधर, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है जैसे y इज इक्वल टू 5 तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा, कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस है। तो एक दूसरा फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको, एक फॉर्मूला दिया था, अब दूसरा कॉमन सेंस का फॉर्मूला, डी बाई डी टी ऑफ सम कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, कोई फॉर्मूला नहीं, कॉमन सेंस है वैसे। कांस्टेंट है मतलब वाई को चेंज करोगे, एक्स को चेंज करोगे तो वाई में कोई चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा वाई इज 0 है ना, आप मतलब ये ऊपर जो लिखा है आपने, y इज इक्वल टू 5 है मान लो, कॉन्स्टेंट है 5, हाँ सर, तो इसका x से कोई लेना देना है नहीं सर, तो x में कुछ भी चेंज करोगे y में चेंज होगा क्या? नहीं, तो डेल्टा y दैट इज चेंज इन y क्या होगा? कांस्टेंट, जीरो, जीरो होगा, कोई चीज नहीं चेंज हो रहा है तो चेंज इन y क्या होगा? अच्छा जीरो, 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 तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x क्या होगा? जीरो, जीरो। ओके सर, तो कॉमन सेंस है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता। दूसरा कॉमन सेंस, अगर कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन ऑफ x तो ये हो जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद d बाय dx ऑफ दैट फंक्शन। फॉर एग्जांपल अभी अभी मैंने एक से, अच्छा पहले तो एग्जांपल देख लो, जैसे इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर मेरा वाई है लेट्स से 3x raised to 5 तो मैं डीवाई बाई डी एक्स लिखूंगा, इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ 3 into x raised to 5 मतलब 3 बाहर d by dx of x raised to 5 मतलब 3 और d by dx of x raised to 5 मालूम है 5 into x raised to 4 होगा तो my answer will be 15 into x raised to 4 मतलब समझ आया। अगर कोई function किसी constant से multiplied है तो इसका rate of change ये तो होगा ही मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट हो जाएगा,
चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो, कॉमन सेंस है। जो हम लोग लिमिट वाले मेथड से सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, आराम से प्रूव हो सकता है। आया समझ में कि इसको यूज कैसे करते हैं? यस सर। तो दो तीन फॉर्मूले मैंने सिखाए कि d by dx of x raised to n का फॉर्मूला बताया, कांस्टेंट का जीरो होता है ये बताया, कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो होगा। अच्छा, अब आप लोग कहते हो dy by dx का मीनिंग क्या है, पूरा बहुत तो अभी सीख लियो, अब एक छोटा सा मीनिंग दिखाता हूँ, छोटा सा। दो मिनट। सपोज y is equal to 2x, एक फंक्शन है। मैं आपसे अगर पूछूं कि dy by dx कितना होगा तो क्या बताएंगे? बोलो y is equal to 2x का dy by dx कितना होगा? सर टू होगा। तो ये तो डिफरेंशिएशन मालूम है इसलिए किया। चलो मैं आपको बताता हूँ dy by dx रेट ऑफ चेंज है ये कैसे पता चले। इधर x इधर y, x जीरो तो y कितना होगा? जीरो। x वन तो y कितना होगा? टू। x टू तो y कितना होगा? फोर। x3 तो y कितना होगा? 6। x4 तो y कितना होगा? 8। कॉमन सेंस, जस्ट ऐसे ही एग्जांपल दिया। एक चीज देखो ध्यान से, जब भी मैंने चाहे जहां कहीं भी x में 1 का चेंज किया, y में 2 का चेंज हो गया। यस सर। यहां पर भी देखो, x में 1 का चेंज किया तो y में 2 का चेंज हो गया, x में 1 का चेंज किया तो देखो y में 2 का चेंज हो गया। कॉमन सेंस है। मान लो मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तब मैंने अगर ऐसा लिखा तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा तो 2 बोल सकते हो विदाउट नोइंग डिफरेंशिएशन? यस सर। है ना, पर इस एग्जांपल में बोल सकते हो, वही x रेज टू 5 में नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी हर x पे चेंज करेगा। बट आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि dy by dx का मीनिंग जो होता है रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, उसका एक थोड़ा सा विजुलाइजेशन हो, उसके लिए ये एग्जांपल लिया मैंने। समझ आया? यस सर। कॉपी कर लो यहां तक। सर आपने वो थर्ड फॉर्मूला में RHS पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय d by dx ऑफ fx? आगे बढ़े।
तो कितने हो गए, एक दो तीन हो गए, चौथा रूल। d by dx of मान लो कुछ ऐसा है, some function of x plus some another function of x plus minus कुछ भी रहे, plus minus कुछ भी, some another function of x, अगर ऐसा कुछ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, बीच में प्लस माइनस जो भी होगा वो होगा। सर बोर्ड नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा होगा, सबको नहीं दिख रहा है बोर्ड या केवल yes, सबको नहीं दिख रहा, वो लाइट के ब्लैक मार्कर से लिखूंगा सब। नंबर कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ था ना। सपोज d by dx of some function of x plus some other function of x plus some other function of x plus minus जो भी हो, कुछ भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हर फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देंगे, बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट एक कॉमन सेंस है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो इधर, सपोज y इज इक्वल टू कुछ भी लिख दो, 3x² - 5x + 6 ऐसा कुछ, मुझे dy by dx ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, d by dx of 3x² - d by dx of 5x + d by dx of 6 ऐसा लिखूंगा। कोई दिक्कत यहां तक, जैसे नहीं देख रहा, इसको क्या कर दूंगा, 3 बाहर d by dx of x square, इसको क्या कर दूंगा, 5 बाहर d by dx of x, और 6 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यस सर। तो ये दिख रहा है 6x - 5 + 0, तो माय आंसर इज 6x - 5। समझ आया ये फोर्थ रूल? नो सर। कॉपी कर लो।
हो गया, आगे बढ़ो। टू सेकंड्स इधर देखिए कुछ प्रैक्टिस के लिए। फाइंड dy by dx if question 1 y is equal to 6x cube plus 10x square minus 20x plus 8. Question number 2, y is equal to 2 root x minus 1 by x. Question number 3, y is equal to 2x cube minus 1 upon x square. Question number 4, y is equal to x raised to 5 by 3 minus 3 upon root x minus 3 plus plus minus 2x plus 8. Question number 5, y is equal to 20x square plus 5x minus 3 divided by x square. ये पांच क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। सर सारे हो गए, फिफ्थ वाले में नहीं हो रहा। ठीक है, सब हो गया। सर दोनों को इंडिविजुअली कर सकते क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर?
हो गया सर, एक बार सॉल्व करो ना। कौन सा सॉल्व करूं? बोलो, आंसर बता देता हूं। इसका हो जाएगा 18x² + 20x - 20। फर्स्ट का आंसर आया सबको? यस यस सर, हो गया सर। यस सर। तो सेकंड जो नहीं होगा बता देना। सेकंड का हो जाएगा 1/√x + 1/x². सेकंड का आंसर आया? यस सर। यस सर। थर्ड का आंसर हो जाएगा 6x² + 2/x³। यस सर। यस सर। का आंसर? फोर्थ का होगा 5/3x·2·3 − 3/2 और माइनस आपको माइनस अंडर रूट √x³ −2। यस सर। देखो तो फोर्थ का आंसर आया? यस सर। यस सर। सर एक बार ये वाला करके दो ना। कौन सा? फोर्थ वन? यस सर। यस सर। देखो d/dx(x^2) 5/3 + 3 × d/dx(x^2 − 1/2 − 2 × d/dx(x) + d/dx(8). यही है आया ना, जिसने पूछा था वो बोलो यही है। Yes, sir. तो 8 का 0 हो गया, इसका −2 हो गया, d/dx(x) = 1। यहां तक कोई दिक्कत? No, +3 x^n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो n दैट इज −1/2 × x^n - 1 दैट इज −1/2 − 1। इसमें भी यही फॉर्मूला लगाओगे तो 5/3 x^5/3 − 1 तो ये हो गया 5/3 x^5/3 − 1 2/3। ये हो गया −3/2 x^-1/2 तो ये हो जाएगा x^-3/2 − 2। ऐसा होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। तो आंसर में दिक्कत है? x^-3/2 को नीचे ले गए तो ऐसा लिख सकते हैं √x³। ओ भाई साहब सर, फिजिक्स तो बात का है, पहले मैथ सीखो तुम लोग। फर्स्ट टर्म 5/3 x^2 2/3 कोई दिक्कत नहीं, −3/2 1/x^3/2 तो ये हो गया 5/3 x³ − 3/2 और इसको लिख सकते हैं √x³। ऐसा लिख सकते हैं −2। यस सर। आंसर लिखा था ओरली और क्या? आगे बढ़े सर, फिफ्थ वाले का एक्सपेंशन किया लेकिन बहुत बड़ा हो रहा है। कोई एक्सपेंशन कहाँ है? x² से डिवाइड कर दो तो ये 20 हो गया, ये 5/x हो गया, ये −3/x² हो गया।
अभी कर देता हूँ, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फोर्थ तक की रेज कर दो। यस सर हो गए, यस सर हो गए। तो फोर्थ तक की रेज कर देता हूँ, फिर शिफ्ट करके दिखाता हूँ। dy by dx is equal to d by dx of इस पूरे टर्म को 20x square upon x square 20 हो गया plus 5 by x हो गया minus 3 by x square हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? No sir। तो ये हो गया d by dx of 20 plus 5 बाहर d by dx of 1 by x minus 3 bahar d by dx of 1 by x square, aisa likh sakte hain? Yes sir। So 20 ka 0 iska minus 5 by x square iska minus 2 into 3 plus 6 by x cube। एक बार देखो तो माइनस फाइव बाई एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स बाई एक्स क्यूब, ये आंसर होगा। यस सर। आगे बढ़े। अरे यस सर। डन सर। डन, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, कॉमन सेंस कल देखते रहना। अभी मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, बोला था ऐसा ना? यस सर। जस्ट एग्जांपल के लिए, वैसे कॉमन सेंस भी है, मान लो कोई ग्राफ मेरा ऐसा है, कोई ग्राफ मेरा ऐसा है, कोई ग्राफ मेरा ऐसा है, कॉमन सेंस। ये ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लास्ट वाला ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है। यस सर। यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। जीरो होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज क्या होगा? नो चेंज, नो जीरो, जीरो होगा। अच्छा, टेंजेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट क्या होता है? वो लाइन खुद होता है। यस सर। तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? जीरो डिग्री। जीरो डिग्री, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है। यस सर। यस सर।
मतलब dy by dx जीरो है। यस सर। इसमें देखो ये तो तुम्हें पता चल ही रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। यस सर। यस सर। फर्स्ट वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है, सेकेंड वाला डिक्रीजिंग फंक्शन है और थर्ड वाला कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ये बात समझ आ रही है ना ग्राफ देख के? यस सर। तो इस पर कहीं भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो थीटा है मेरा, इस केस में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा थीटा है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा ना? यस सर। मतलब टैन थीटा मेरा पॉजिटिव ही होगा ना? यस सर। मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव ही होगा ना? यस सर। इसमें अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? ये वाला एंगल होगा एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यस सर। तो इसमें आपको दिख रहा है, जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है ऐसा दिख रहा है। यस सर। टैन थीटा उसमें नेगेटिव होती है, दिख रहा है? मतलब डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, दिख रहा है? यस सर। इस केस में थीटा जीरो है, दिख रहा है? मतलब टैन थीटा जीरो है, दिख रहा है? मतलब डीवाई बाई डी एक्स जीरो है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और वैसे कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है वो तो मालूम ही है ना? Yes, ये तीनों केसेस में कोई दिक्कत? नो सर। तो ये सब आपको कुछ याद रहे नहीं रहे मुझे नहीं मतलब है, हो सकता है नहीं याद रहे, मेरा फर्ज है बेसिक बताना इसलिए बता दिया, हो सकता है नहीं याद रहे। लेकिन जो आपको याद रखना है थंब रूल वो ये सब आपको याद रहे नहीं रहे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे मेरा फर्ज था फंडामेंटल से समझाना इसलिए बता दिया। आपको ये याद रखना है कि इफ dy by dx इज पॉजिटिव, एक मिनट जगह नहीं है इसलिए सोचता हूँ कहाँ लिखूं, पहले जगह बना इस तीनों का मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी यही आया पहला कि अगर d by dx ऑफ कोई भी फंक्शन पॉजिटिव आता है ना, इसका मतलब है वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। yes, sir. अगर d by dx किसी भी फंक्शन का नेगेटिव आता है मतलब वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, x के साथ डिक्रीज कर रहा है। और अगर किसी फंक्शन का dy by dx जीरो आता है इसका मतलब हो गया कि फंक्शन कांस्टेंट है, मींस नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये बात समझ आया? यस सर। तो dy by dx के वैल्यू के साइन से whether it is positive, negative or say, हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। यस सर। चमक रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, इसको अप्लाई कैसे करते हैं अभी सिखाता हूँ।
हाँ वो तो हमको भी पता है, उसने क्या बता रहा है समय। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? हो गया? हो गया? यस सर। ठीक है। रेस कर दूं? यस सर। चलो इक्वेशन देखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन y is equal to x cube by 3 plus 5x square by 2 plus 6x minus 20 is increasing or decreasing। ये मान लो क्वेश्चन, तो हम लोगों को एक फंक्शन दे दिया है। अब ये पूछता है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो किस रेंज में है, डिक्रीजिंग है तो किस रेंज में है। तो ये सब बात तो हम लोग केवल फंक्शन देख के नहीं बता सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x square by 2 plus 6x minus 20, ये मेरे पास। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टूल सीखा कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा टूल है
जिससे किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। यह भी सीखे हमने सीखा था। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले dy by dx निकालेंगे। तो इसका dy by dx कितना होगा, x square plus 5x plus 6 plus 6। सब लोग देख के बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। नो सर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं x डिनोमिनेटर कैसा गया सर, डिनोमिनेटर को कैसे, सर डिनोमिनेटर को कैसे एलिमिनेट किया वो नहीं समझा सर। सर समझा, थैंक यू सर। समझा सर। समझा। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स ये फैक्टराइज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। क्या क्या फैक्टर होगा? 3 और 2। x plus 3 and x plus 2। देखो इधर ध्यान से। तो यहां से मुझे ये समझ आया कि x is equal to minus 3 और x is equal to minus 2 इन दोनों पर dy by dx 0 है। Yes sir। आया ना? Yes sir। Yes sir। तो जहां 0 होता है वहां पर neither increasing nor decreasing। आया ना? Yes sir। Yes sir। माइनस थ्री और माइनस टू पर neither increasing nor decreasing। आगे के लिए नंबर लाइन पर माइनस थ्री और माइनस टू कर दिया। अब माइनस टू के बाद का वैल्यू कोई बोलो क्या होगा? जीरो। माइनस में पुट करके देखोगे तो dy by dx पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो माइनस टू के आगे मेरा dy by dx पॉजिटिव है। यस सर। यस सर। माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में जीरो। माइनस नेगेटिव। नेगेटिव। यस देन प्लस। पॉइंट पुट करके देखो नेगेटिव है। इसके बीच में नेगेटिव हो गया। माइनस थ्री के इधर जो वैल्यू मन करे माइनस नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव। यूट्यूब पे सर्च करो मजा आएगा। क्या आएगा माइनस थ्री के आगे? पॉजिटिव। माइनस थ्री के पीछे सॉरी माइनस फोर माइनस फाइव कुछ भी सर्च करके देखो पॉजिटिव। तो यहाँ पर dy by dx पॉजिटिव होगा। अभी हमने सीखा था कि dy by dx जहां पॉजिटिव होता है वहां फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो यहाँ इंक्रीजिंग है, इस रेंज में डिक्रीजिंग है
और इस रेंज में फिर इंक्रीजिंग है ऐसा। यस सर। तो हम आंसर क्या बोलेंगे कि माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री में फंक्शन इंक्रीजिंग है, माइनस थ्री से माइनस टू के बीच फंक्शन डिक्रीजिंग है, और माइनस टू से इंफिनिटी के बीच फंक्शन इंक्रीजिंग है, यही बोलेंगे हम। यस सर। में कॉपी कर लीजिए इसको सर। सर माइनस थ्री के मतलब ये साइड में फिर पॉजिटिव, माइनस थ्री के पीछे का कोई वैल्यू जो तुम्हारे दिमाग में आए बोलो, माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स कुछ भी, यहां पर पुश करके देखो तो क्या आता है। नेगेटिव ही आ रहा है बट माइनस फोर, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव हो गया ना, कहा नेगेटिव आ रहा है। सॉरी सॉरी सर, है ना, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था सर, सॉरी। गलत दबा दूंगा, दिमाग को खुला रख एकदम वाइब्रेशन मोड में, आराम से बैठ के हिस्ट्री के जैसा शांति से सब मजे लेके पढ़ोगे तो थोड़ी ना होगा, थोड़ा सा दिमाग को एकदम पढ़ा रहे ना बहुत आज एक्स्ट्रा, पता नहीं कौन से मूड में आए। हो गया? यस बस ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, सुनो सब ध्यान से सुनेगा चुपचाप, मैं तो मारूंगा। इसका एक असाइनमेंट अभी आपको देता हूँ, उस असाइनमेंट में आंसर की नहीं रहेगा, ठीक है? और उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं कल सुबह डाल दूंगा सॉल्यूशन और आंसर की के साथ, तो आज पूरा दिन आपको सॉल्व करना है और कल आंसर की और सॉल्यूशन देख के प्रॉपर नोटबुक में एक एक स्टेप लिखना है, क्योंकि ये आप पहली बार सीख रहे हो, आप अपने आप को बहुत ये मत समझो, इस क्लास के लिए आप अभी नर्सरी में हो, समझ रहे हो? यस सर। तो इसका असाइनमेंट दे दूंगा, जितने सॉल्व होते हैं ठीक है आंसर लिख के रखो, फिर कल सुबह उसका आंसर की और सॉल्यूशन दे दूंगा, कहीं भूल गया तो मुझे व्हाट्सएप पे कोई एक रिमाइंड कर देना, लेकिन बोलूंगा नहीं मैं कल डाल दूंगा। तो आज मैं आपको असाइनमेंट डाल देता हूं अभी लेक्चर के बाद, कल उसका आंसर की और सॉल्यूशन डाल दूंगा और प्रॉपरली फेयर में एक एक स्टेप करके सारे आंसर और सॉल्यूशन आपके नोटबुक में होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगले लेक्चर में उसमें जो भी डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे। yes, पूरे कैलकुलस में मैं इसी मोड पे पढ़ाने वाला हूँ आपको, कि हर दिन असाइनमेंट दूंगा आंसर की नहीं दूंगा, क्योंकि ये इसको पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए, इसमें आपका एकदम नर्सरी वाला काम है अभी। और एक दिन आपको सॉल्व करने को दूंगा, दूसरे दिन इसका आंसर भी दूंगा और वेल रिटेन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू।